जम्मू कश्मीर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा बीजेपी सत्ता में आई तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। सीएम योगी बोले जम्मू कश्मीर में चुनाव से पाकिस्तान में खलबली, भिखारी पाकिस्तान खुद को संभाल नहीं पा रहा। तीसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर के रामगढ़ में सीएम योगी ने की रैली, कहा कांग्रेस फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती है। सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा, जम्मू कश्मीर से पत्थरबाज गायब हो गए। कठुआ की रैली में बोले अमित शाह, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीन पीढ़ियों ने लोकतंत्र को कुचला, कभी वापस नहीं ला पाएंगे अनुच्छेद 370। करनाल में राहुल गांधी के साथ एक मंच पर दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, राहुल ने फिर उठाया बेरोजगारी का मुद्दा, कहा बीजेपी ने रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए। राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ गया, कुमारी शैलजा का बयान। राहुल के हरियाणा दौरे पर सीएम नायब सैनी का हमला, कहा कांग्रेस आई तो हरियाणा को भ्रष्टाचार के दलदल में फेंक देगी। चरखी दादरी में आप सांसद संजय सिंह ने किया प्रचार, कहा हरियाणा का जो रिजल्ट आएगा उसमें सत्ता की चाबी केजरीवाल के हाथ में होगी। पीएम ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोले जो मतदान केंद्र जीतता है वह चुनाव जीतता है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज, हरियाणा में चुनाव है और मनोहर लाल खट्टर गायब है। हरियाणा चुनाव के प्रचार में उतरे एमपी के सीएम मोहन यादव, कहा बीजेपी की एक बार फिर बनेगी सरकार। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज, सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से की आरएसएस की तुलना, बीजेपी पर लगाया नेताओं को खरीदने का आरोप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर अटैक, कहा किसानों की आय दोगुना करने के लिए इनके पास पैसा नहीं। धनबाद में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए राजनाथ सिंह, सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार करके खुद को शहीद बता रहे। झारखंड के जामताड़ा में उत्तराखंड सीएम ने बीजेपी के लिए मांगे वोट, कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी घोटालेबाजों का गिरोह है। झारखंड के गुमला में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। ओडिशा के खोरधा में बीजेपी का सदस्यता अभियान, जेपी नड्डा बोले कांग्रेस अर्बन नक्सल की प्रवक्ता बन गई। ओडिशा के खोरधा में सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस अर्बन नक्सल की प्रवक्ता हो गई है। अशोक चौधरी पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का दिया अहम पद। विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में रहते अशोक चौधरी, अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में दी बड़ी जिम्मेदारी। इस्तीफे के बाद दिल्ली विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, फर्जी केस डालकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा। अरविंद केजरीवाल बोले मुझे बेईमान साबित करने के बीजेपी के सारे हथकंडे फेल, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल बोले मुझे सत्ता की भूख नहीं, रावण का भी अभिमान नहीं टिका था, बीजेपी का भी नहीं टिकेगा। केजरीवाल बोले मैं जेल गया तो बीजेपी ने सारे काम बंद करवा दिए, अब फिर से उन कामों को शुरू कराऊंगा। दिल्ली असेंबली में चर्चा रोकने पर नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जताई नाराजगी, कहा जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा चाहते थे। दिल्ली में एमसीडी सदन में हुआ जोरदार हंगामा, मेयर ने 5 अक्टूबर तक कार्रवाई की स्थगित। दिल्ली की ईदगाह मैदान के पास भारी पुलिस बल की तैनाती, प्रदर्शन को लेकर फैलाई गई थी अफवाह। सदर बाजार स्थित ईदगाह मैदान के पास बनी थी तनाव की स्थिति, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में कुछ लोगों ने फैलाया था मैसेज। मैसेज आते ही दिल्ली पुलिस सरकत में आई, लोगों के इकट्ठा होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, भीड़ हटी, हालात सामान्य हुए। बेंगलुरु में विधानसभा परिसर में बीजेपी जेडीएस का विरोध प्रदर्शन, मुड़ा मामले पर सीएम सिद्धरमैया का मांगा इस्तीफा। सिद्धरमैया ने फिर इस्तीफा देने से किया इनकार, का एचडी कुमार स्वामी के खिलाफ आरोप है, क्या मोदी उनसे इस्तीफा ले लेंगे। सिद्धरमैया के समर्थन में उतरे डीके शिव कुमार, कहा सीएम के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल की सजा। कोर्ट ने संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हम जैसे लड़ने वाले लोगों को कहां न्याय मिलेगा, हमें तो सजा ही मिलेगी, कोर्ट के फैसले के बाद बोले संजय राउत। चीनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन, फीविन ऐप से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट किए गए फ्रीज। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फीविन के जरिए भारत से करीब 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचे, ईडी कोलकाता ने मामले से जुड़े 4 लोगों को अरेस्ट किए। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत, नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में थे गिरफ्तार। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति निधिन मधुकर जामदार, राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, 27 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। हिमाचल में होटल रेस्टोरेंट में नेम प्लेट लगाने के फैसले पर यू टर्न, सरकार ने कहा मामले पर विधानसभा की कमेटी बनी है, कमेटी तो तय करेगी, जो तय होगा वही होगा। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी दी सफाई, कहा भी कोई फैसला नहीं हुआ, कमेटी रेहड़ी पटरी और दुकानदारों को आईडी कार्ड जारी करेगी। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर बोले उम्मीद है विक्रमादित्य अपने फैसले पर कायम रहेंगे। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का हमला, शहजाद पुनावाला बोले योगी के जिस फैसले का विरोध किया उसी को अपनाया।
हिमाचल की अपनी ही पार्टी की सरकार पर भड़के टीएस सिंहदेव, अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की। योगी सरकार के होटल में नेम प्लेट और कैमरा लगाने के फैसले पर बोली मायावती, ये सब खाद्य सुरक्षा को लेकर कम, चुनावी राजनीति के लिए ज्यादा है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, योगी सरकार हिंदू मुसलमान कराना चाह रही है। अगले यूपी चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जियाउर रहमान बर्क का दावा। यूपी के बागपत में थूक कांड, हिंदू नाम पर चल रहा था चिकन कॉर्नर, थूक लगा रोटी सेकते हुए वीडियो हुआ था वायरल। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी शहजाद को किया गिरफ्तार, दुकान बंद करने का आदेश जारी। गाजियाबाद के कौशाम्बी में फूड एंड सेफ्टी विभाग का एक्शन, जूस की दुकानों पर जाकर की पड़ताल, सीएम योगी के आदेश का दिखा असर। लखनऊ में स्ट्रीट फूड के दुकानदार कैप लगाए नजर आए। मुंबई में मेट्रो का उद्घाटन टलने पर सुप्रिया सुले की पीएम मोदी से अपील, उद्घाटन नहीं होने के कारण मेट्रो बंद नहीं होनी चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की सीएम योगी से अपील, लखनऊ इमाम बाड़े में अश्लील डांस के वीडियो बनाए जा रहे, इसे रोका जाए। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी बोले, यूपी को दंगा मुक्त और न्याय की धरती बनाने का श्रेय सीएम योगी को जाता है। एक्शन में दिल्ली की नई सीएम आतिशी, केजरीवाल और सिसोदिया के साथ सड़कों का निरीक्षण किया। पूर्व सीएम केजरीवाल का आरोप, दिल्ली को डिरेल करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई। जाति को लेकर लालू यादव और जीतन राम मांझी में जुबानी जंग, मांझी ने लालू को बताया गडरिया, लालू का जवाब, मुस्कुरा रहे क्या जीतन राम मांझी। शाजापुर बवाल पर सीएम मोहन यादव सख्त, उज्जैन आईजी और कमिश्नर से ली जानकारी, कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। केंद्रीय अर्धसैनिक बल की परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ बंगाल के सिलीगुड़ी में बदसलूकी, गाली गलौज के बाद की गई मारपीट। बिहार के छात्रों से मारपीट का आरोपी रजत भट्टाचार्य अरेस्ट, रजत का संबंध बांग्ला पक्ष संगठन से है। छात्रों से मारपीट की घटना पर गिरिराज सिंह भड़के, कहा रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट बिछाने वाली सरकार में बच्चों के साथ मारपीट क्यों। यूपी के चंदौली में बुलडोजर एक्शन, सैयद राजा इलाके में पीडब्ल्यूडी की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम हर्षिका सिंह ने अवैध कब्जा करने वालों को चेताया, कहा सरकार जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता रहेगा। कल डीयू एसयू चुनाव में वोटिंग से पहले दिल्ली हाईकोर्ट हुआ सख्त, कहा जब तक कैंडिडेट अपने पोस्टर बैनर नहीं हटा देते चुनाव रिजल्ट जारी ना करें। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगाई फटकार, कहा 21 कैंडिडेट को नहीं संभाल पा रहे, लाखों छात्र कैसे संभालेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का डीयू को आदेश, कैंडिडेट से पैसा वसूल कर एमसीटी और डीएमआरसी को पोस्टर बैनर हटाने का खर्चा दे। नागपुर में रामझूला ब्रिज पर हिट एंड रन का मामला, आरोपी रितिका मालू की जमानत याचिका खारिज। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम का एक्शन, इंस्पेक्टर हीरा सिंह को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। यूपी के उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट, दुकान के सामने खड़ी गाड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। यूट्यूबर इल्विश यादव और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ ईडी का एक्शन, यूपी और हरियाणा में कई जगहों पर प्रॉपर्टी अटैच की। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक्शन, दुकानों पर मारा छापा। विधायक बाल मुकुंदाचार्य बोले, पैसे लेकर इन दुकानों पर फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाए जा रहे थे, बाहरी लोग वोटिंग कर रहे थे। बाल मुकुंदाचार्य के एक्शन पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, दो बदमाश गिरफ्तार, चेन खींच कर भाग रहे थे बदमाश। अमृतसर में गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग के एक शूटर को पकड़ा, जीटीबी अस्पताल में फायरिंग और हत्या मामले में था मास्टरमाइंड। अहमदाबाद में नवरात्र के लिए गरबा की तैयारियां हुई शुरू, पारंपरिक परिधान में अभ्यास करते दिखे युवक युवतियां। अहमदाबाद में केमिकल और पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एच डी कुमार स्वामी ने किया पौधारोपण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। बिहार के शिवहर में भारी बारिश के चलते पानी भरा, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। महज 2 घंटे की बारिश के चलते बिगड़े सूरत के हालात, निचले इलाकों में कई फीट तक पानी जमा। सूरत में भारी बारिश के चलते हालात खराब, स्कूल में फंसे बच्चों का रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। हरियाणा के अंबाला में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मुंबई में मैनहोल में गिरकर महिला की मौत पर एक्शन, बीएमसी कमिश्नर ने जांच के आदेश जारी किए। महाराष्ट्र के ठाणे में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, कल्याण ग्रामीण कांबा गांव में हादसा। बंगाल के बीरभूम में भी हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने रामलला के किए दर्शन, कहा मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोबल ई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में भारत शामिल, बीजिंग में वोटिंग के बाद हुआ फैसला। जियो बीपी के 500वें पल्स ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के मेहमानों को मिलेगा लाभ। यूएनजीए में भारत दिवस प्रोग्राम में बोली रिलायंस फाउंडेशन के निदेशक ईशा अंबानी, चुनौतियों के बावजूद हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
अलायंस फॉर इंडस्ट्री डीकार्बोनाइजेशन में शामिल होने वाली दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी बनी अंबुजा सीमेंट, नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना है लक्ष्य। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 7 पैसे गिरा, एक डॉलर की कीमत 83.65 रुपए रही। 666 अंक की उछाल के साथ सेंसेक्स 85,836 पर पहुंचा, निफ्टी 211 अंक की उछाल के साथ 26,216 पर हुआ बंद।